हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की लोशु ग्रिड में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं लोशु ग्रिड में मौजूद दिशाओं के बारे में। इसमें सबसे पहला नंबर आता है नंबर 1 का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि नंबर 1 वाटर से रिलेट करता है और इसे प्लैनेट सन रूल करता है। इसकी दिशा है नॉर्थ। और अब इसके बाद नंबर आता है 2, जो कि है अर्थ एलिमेंट और इसे रूल करता है प्लैनेट मून। इसकी दिशा साउथ वेस्ट है। नंबर 3 है वुड एलिमेंट, जिसे रूल करता है प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति और इसकी दिशा है ईस्ट। नंबर 4 भी है वुड एलिमेंट, इसे रूल करता है राहु और इसकी दिशा साउथ ईस्ट है। नंबर 5 है आकाशीय तत्व यानी इथर एलिमेंट, इसे रूल करता है मरकरी यानी बुध ग्रह। लोशु ग्रिड में नंबर 5 सबसे बीच में आता है। नंबर 5 लोशु ग्रिड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लकीएस्ट नंबर है। लोशु ग्रिड में 8 में से 4 प्लेन नंबर 5 के बिना नहीं बन सकते और ग्रिड में गोल्डन प्लेन और सिल्वर प्लेन भी नंबर 5 के होने पर ही बन सकता है। नंबर 5 के बाद आता है नंबर 6, जो कि मेटल एलिमेंट है। इसे प्लैनेट वीनस यानी शुक्र ग्रह रूल करता है। इसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट है। नंबर 7 भी मेटल एलिमेंट को दिखाता है और नंबर 7 को केतु ग्रह रूल करता है। इसकी दिशा वेस्ट है। इसके बाद नंबर 8, जो कि अर्थ एलिमेंट है यानी पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। इसे शनि ग्रह रूल करता है और इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट है। सबसे लास्ट है हमारा नंबर 9, जो कि अग्नि तत्व को दिखाता है। इसे मंगल ग्रह रूल करता है। इसकी दिशा साउथ वेस्ट है। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।